भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ भले ही खेसारी और पवन के इस संग्राम में कूदे ना हो, लेकिन उनका एक इंटरव्यू जो कि काफ़ी पुराना है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये इंटरव्यू तब का है जब वो कपिल शर्मा शो में आए थे, लेकिन इस वक्त ये इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है वो दिल को सुकून देता है। जी हाँ, यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ खेसारी और पवन की दोस्ती को लेकर कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको हंसी आएगी। यहाँ पर खेसारी लाल यादव के लिए कहते हैं कि जब भी खेसारी पवन से मिलते हैं, वैसे तो अमूमन हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, लेकिन अवार्ड शो हो या कोई फंक्शन हो तो वहाँ मिलना जुलना हो ही जाता है। ऐसे में जब भी खेसारी लाल यादव पवन सिंह से मिलते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग खरीद ली है, यहाँ मीरा रोड में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ मैंने ये ज़मीन ले ली है। इतना सुनने के बाद पवन सिंह ये कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ रहने दोगे या मैं यहाँ से चला जाऊँ। जब ये सारी बात निरहुआ को पता चलती है और निरहुआ उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हाँ वो स्टार हैं, वो खरीद सकते हैं और वो खरीदते हैं तो इसमें बुरा क्या है, तो वो ये कहते हैं, यानी कि पवन सिंह रिप्लाई करते हैं कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम सिर्फ 3 BHK फ्लैट ले पाते हैं, लेकिन ये इतने कम समय में काम किया और इसने आज इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इसे देखकर मुझे रहा नहीं जाता। ऐसी कई मज़ेदार वाकया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शेयर किए, लेकिन आपको हम फिर से बता देते हैं कि ये बात तब की है जब दिनेश लाल यादव निरहुआ कपिल शर्मा के शो में गए थे। और यहाँ एक बात और सामने आई कि पवन सिंह खेसारी की वजह से सुसाइड करने वाले थे। जी हाँ, इस वाक्य का भी खुलासा दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस इंटरव्यू में किया। दिल्ली के एक वाकया को शेयर करते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ये कहते हैं कि एक बार हम सभी दिल्ली में मौजूद थे, वहाँ जैसे ही खेसारी लाल यादव को पता चला कि पवन सिंह भी इसी होटल में रुके हुए हैं तो वो पवन सिंह के कमरे में चले गए और वहाँ पर उन्होंने फिर से वही बातें शुरू की जो कि पवन सिंह को पसंद नहीं थी, कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ली है, ये लिया है। ऐसे में बात आगे बढ़ती है और खेसारी लाल यादव ये कहते हैं पवन सिंह से कि जिस होटल में हम रुके हैं ये एक 5-स्टार होटल है और मैं एक ऐसा ही होटल पानी के अंदर बनाना चाहता हूँ और मैं बनाऊँगा भी। ये बात सुनते ही पवन सिंह खिड़की पर खड़े हो गए और ये बोले कि तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं इस खिड़की से नीचे कूद जाऊँ। ये सुनते ही खेसारी लाल यादव कमरे से बाहर चले गए। तो आप उनके दोस्ती के ऐसे किस्से सुनेंगे कि जिसके बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल अलग है, पूरा सिनेरियो अलग है। आज ये दोनों दोस्त किस तरह से एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं ये आज की कहानी है, लेकिन कल की अगर आप इनके दोस्ती के किस्से उठाएंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और कहीं ना कहीं आप इनसे टच ज़रूर हो जाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।